आपने वीर ज़ारा फिल्म देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा भी देखी होगी, जिसका पार्ट टू भी जल्दी ही हमारे सामने रिलीज हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि गदर टू रिलीज होती, नोएडा के रबुपुरा में एक भारतीय प्रेमी और उसकी पाकिस्तानी प्रेमिका ने रियल लाइफ में गदर एक प्रेम कथा बना डाली। लेकिन इस रील और रियल लाइफ में थोड़ा सा अंतर है। गदर में सनी देओल अपनी प्रेमिका लेने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं और रियल लाइफ स्टोरी में पाकिस्तानी प्रेमिका सरहदें तोड़कर अपने प्रेमी के लिए हिंदुस्तान आ गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कथा खूब चर्चा में है। जब से सीमा हैदर आई हैं, लोग ज्योति मौर्या पर बात करना भूल गए। यह कहानी पूरी तरह फिल्मी है। पूरा मीडिया जगत सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी को दिखा रहा है। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर दिन रात सीमा और सचिन के ही चर्चे हो रहे हैं। आज के शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर सीमा हैदर हैं कौन, कितनी पढ़ी लिखी हैं और सीमा के भारत आने का उद्देश्य क्या है। क्या सचमुच सीमा हैदर सचिन के प्यार में भारत आई हैं या फिर सीमा के भारत आने के पीछे कोई जासूसी कहानी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की शुरुआत कहां से हुई। और सचिन द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार आज से 3 साल पहले जब भारत के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात थे, तब पबजी के माध्यम से उन दोनों की प्रेम कहानी की नींव रखी गई थी। धीरे धीरे पबजी के खेल में उनकी बातचीत होना शुरू हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। फिर बातें और ज्यादा होने लगी और वह बातें कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लगातार इस तरह की बातें होती रही तो मिलने की चाह भी बढ़ने लगी। सीमा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहले सीमा और सचिन की मुलाकात मार्च 2023 में नेपाल में हुई थी। तब सीमा अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ छोड़कर आई थी और सचिन के साथ भारत आने की जिद कर रही थी। वह कह रही थी कि उनके बच्चों को उनकी बहन पाल लेंगी, लेकिन सचिन ने उन्हें बोला कि नहीं, मैं तुम्हें बच्चों के साथ ही भारत लेके जाऊंगा। फिर सीमा वापस अपने बच्चों को लेने के लिए पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान से वे दुबई पहुंची और दुबई से फिर नेपाल पहुंची। वहीं पाकिस्तानी सिम वाला फोन काम नहीं कर रहा था। सीमा ने बताया कि पहले पैसे चेंज करवाए, एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ है, 500 रुपए में वहां सिम मिलता है, मेरे पास सारे कागज थे, बस भारत का वीजा नहीं था। वह पहले सीधे भारत आना चाहती थी, लेकिन भारतीय अधिकारी यानी सरकारी मुलाजिम के साइन आधार कार्ड चाहिए थे। फिर नेपाल के रास्ते चोरी छुपे वह बच्चों को लेकर भारत आ गई, सचिन के साथ किराए पर रहने भी लगी। सीमा के भारत आने का खुलासा तब हुआ जब सचिन और सीमा कानूनी रूप से शादी करने के लिए कोर्ट पहुंचे। वहां से सीमा और सचिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। फिलहाल सीमा और सचिन पुलिस की निगरानी में सचिन के घर पर ही रह रहे हैं। लेकिन सीमा हैदर के बिना वीजा के भारत में आने पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि सीमा हैदर भारत में बिना वीजा के कैसे घुस गई। इस तरह तो कोई भी पाकिस्तानी जासूस बिना किसी डर के भारत में प्रवेश कर सकता है, यानी कि भारत की सीमाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तमाम सवाल हमारे और आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे। लेकिन भारत के लोगों द्वारा उन लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया गया है। सीमा हैदर से मिलने के लिए सचिन के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। अगर यही भारत की कोई लड़की पाकिस्तान पहुंच जाती तो पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी उसको जासूस बताकर जान से मार डालते और न जाने उसके साथ क्या क्या बुरा होता। लेकिन शायद भारत के लोग और भारतीय सरकार दिलदार हैं और फिर चाहे उन्हें कितने भी भारतीयों की जान क्यों ना गंवानी पड़े। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, मेरे इस तरह से बात करने की भी एक वजह है। अब वो वजह जानिए। पहली वजह, सीमा हैदर ने अपनी असली उम्र छिपाई। दूसरी वजह, सामने आया पाकिस्तानी हलफनामा। तीसरी वजह है सीमा हैदर के बात करने का तरीका। सीमा हैदर को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीमा का एक हलफनामा सामने आया है जो पाकिस्तान में गुलाम हैदर के साथ हुई उसकी शादी से जुड़ा है। करीब 8 साल पहले इस हलफनामे में सीमा अपनी मर्जी से परिवार छोड़ने और गुलाम हैदर से शादी करने की बात करती हैं। हालांकि न्यूज चैनलों से बातचीत में सीमा हैदर ने इस हलफनामे को गलत बताया है और कहा है कि उनसे सिर्फ साइन करवाए गए थे। हलफनामा सामने आने के बाद सीमा हैदर की उम्र को लेकर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं।
30 साल की सीमा हैदर अब नोएडा में ही रहती हैं, जहां उन्होंने सचिन मीणा से शादी की है। मीडिया के हाथ सीमा का एक हलफनामा लगा है जो कि 15 फरवरी 2014 का है। इसमें सीमा ने अपने माता पिता का घर छोड़ने, लालची बताने जैसी बातें की हैं, जबकि गुलाम हैदर के साथ बिना किसी दबाव के शादी होने की बात कही है। हलफनामे में लिखा गया है कि मैंने 10 दिन पहले अपने पिता का घर छोड़ दिया है। मेरे माता पिता जो लालची हैं, वह मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कराना चाहते हैं। हलफनामे में सीमा ने कहा है कि मैं अपने घर को छोड़कर जैकोबाबाद जिले के लाल खान जखरानी गांव में आ गई हूं। यहां गुलाम मोहम्मद जखरानी के बेटे आमिर खान के घर में हूं। उनका हमारे घर आना जाना था, वह मुझे यहां अपनी बहन की तरह रखते हैं। मैं अपनी मर्जी से गुलाम हैदर पुत्र आमिर खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती हूं। हलफनामे में इन बातों के सत्य होने की शपथ ली गई है, साथ ही भविष्य में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। लेकिन अभी तक सीमा हैदर जो बातें बता रही हैं, हलफनामा उससे अलग तस्वीर दिखाता है। जब एक बड़े न्यूज चैनल ने सीमा हैदर से उनके हलफनामे पर सवाल किए तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया। सीमा ने कहा कि मैंने कोई हलफनामा नहीं दिया है। मेरी माँ का निधन तो 18-20 साल पहले ही हो गया था, मुझे लिखना नहीं आता है। मेरी हैदर से लव मैरिज नहीं थी। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान से गलत कागज भेजे जा रहे थे, हमारी शादी कोतवाली में ही हुई थी। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, मैं बहुत कम अंग्रेजी जानती हूँ, मैंने कभी अपने माता पिता को लालची नहीं कहा है। मेरी शादी गुलाम हैदर के साथ पसंद के मुताबिक नहीं हुई है, मैंने हलफनामे में दबाव पर साइन किए थे। सीमा हैदर का यह हलफनामा सामने आने पर एक और खुलासा हुआ है। दोनों ही कागजों में अलग अलग उम्र बताई गई है। सीमा ने जो अपना पहचान पत्र दिखाया था उसमें जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 बताई गई है, जबकि हलफनामे के मुताबिक सीमा की पैदाइश 1994 की है। यानी दोनों में करीब 8 साल का अंतर दिख रहा है। साफ है कि सीमा हैदर जिन सबूतों को पेश कर रही हैं उसमें भी एक बड़ा अंतर है। यही कारण है कि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। सीमा के जासूस होने का शक भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है शिक्षा की। सीमा कहती है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में भी वह लिख नहीं पाती। लेकिन जरा आप ये सीमा के अंग्रेजी बोलने वाले शब्द सुनिए। सीमा अंडरस्टैंडिंग शब्द को इस तरह से बोल रही हैं जैसे कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो। हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सीमा मीडिया को भी बिना झिझके हुए इंटरव्यू दे रही हैं, जैसे उनको इन सब चीजों की ट्रेनिंग मिली हो। वही पास में बैठा उनका प्रेमी सचिन, जो कि 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, वह चुपचाप बैठा रहता है, बोलता है तो वो भी बहुत कम। हमें तो सीमा की इन सब चीजों को देखकर उस पर तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक सीमा की जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन आप सीमा के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को किया न्यूज पर देख रहे थे। मेरा नाम है गौरव। शुक्रिया।